ये वीडियो केवल संडे की वैन एपिसोड है, जहां पर आपके कमेंट द्वारा पूछे गए सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। अगर कोई थंबनेल या टाइटल देखकर ये सोचकर आया है कि यहां पर सिर्फ उसी टॉपिक पर वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो गाइस, आज संडे है और संडे को हम करते हैं Q&A एपिसोड, जहां पर आपके सवाल और मेरे जवाब होते हैं। तो कुछ कमेंट मैंने पिकअप किए हैं, जो हो सकता है इन कमेंट के जरिए काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, और मुझे अच्छा लगता है आपके प्यारे कमेंट पढ़ के, तो इसलिए ही हमने एपिसोड रखा था। आप जानती हैं यार, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF। तो शुरुआत करते हैं पहले कमेंट से। थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही, तबीयत खराब हो रही, सुबह अच्छी नहीं गई है, अवॉइड कर देना, थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही है। तो पहला कमेंट है रॉयल धवन का, जो कि लिखते हैं, भैया फोन टू फोन वीडियो कॉल सेफ है, प्लीज टेल मी एंड्रॉयड फोन टू फोन। तो भाई, फोन टू फोन अगर आप कॉल करते हैं डायरेक्ट जियो टू जियो या फिर एयरटेल टू एयरटेल, तो सेफ है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लेकिन सेफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी गलतियां करें और तब भी सेफ रहें। तो मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर मुझे लिंक मिल गया तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वदारिया गणेश लिखते हैं, *#6## डायल करें और सब नोट फॉरवर्ड हो तो हमारा फोन कभी हैक हुआ है या नहीं, प्लीज बताओ भाई। इस कोड से और आपके फोन हैकिंग से क्या लेना देना है भाई? इस कोड से और मोबाइल हैकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कोड तब डायल करते हैं जब आपका कॉल फॉरवर्ड हो किसी नंबर पर, जैसे कि आपने अपने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड लगा के रखा है, तो आप इस कॉल इस कोड के जरिए उसको रिमूव कर सकते हैं। बस फोन हैकिंग, इससे दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सागर कुमार झा लिखते हैं, भाई कुछ ऐसा बताइए, अगर कोई स्टेटस लगाता है तो ये भी देख सकूं कि उसका स्टेटस कितने आदमी देखा है अपने फ़ोन से। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर कोई व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है तो आप ये देख सकें कि उसका स्टेटस किस किस ने देखा है। यार ये तो वही बात हो गई, जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप चाहते हैं उसी बैंक में किसी और के अकाउंट में झाँक कर देखें कितना बैलेंस और कितनी सॉरी ट्रांजेक्शन है। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? कमाल है, मतलब कुछ भी। इसके बाद लिखते हैं मोनिश मलिक, इमरान भाई नेक्स्ट टाइम लाइव कब आ रहे हो? जब आप बताओ जनाब तब आ जाएंगे, जब आप लोग बता दो कमेंट करके। आप लोग कमेंट तो आजकल करते ही नहीं हो एकदम। इसके बाद लिखते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंट डे इमरान भाई, मुझे लव हो गया आपसे, दिल कर रहा है आपको कॉपी करके दिल में पेस्ट कर दूं। ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सच्ची में। इसके बाद सुरेंद्र दोहान लिखते हैं, भाई जी अगर फेक नंबर से कॉल आया उसकी लोकेशन एंड रियल नंबर का कैसे पता करें? भाई ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर से कॉल करे या फिर फेक नंबर से कॉल करे, तो आप उसकी करंट लोकेशन का पता नहीं कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आपको कोई ऐसा बताता है तो वो झूठ बता रहा है, फेक वीडियो है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं सिंपल, वैसे मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पूरी बना चुका हूं, तो डिटेल में वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपका कमेंट मैंने पिकअप कर लिया ताकि बाकी लोगों के जो मन में कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आप अपनी तसल्ली पूरी करिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फेक नंबर से कॉल आया तो उसका रियल नंबर क्या है, तो आप ये भी पता नहीं कर सकते। इसके बाद लिखते हैं अगम कुमार, ब्रो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करना सेफ है या नहीं? रिप्लाई, जी हाँ बिल्कुल सेफ है। व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो बिजनेस के लिए ही, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वहाँ पर आप कैटलॉग बना सकते हैं जो कि व्हाट्सएप का एक प्रोडक्ट है, और यूज़ करना सेफ है। नेक्स्ट आर जेकर लिखते हैं, लौंडे तुम हमारे लिए नहीं अपने लिए वीडियो बनाते हो, क्योंकि इफ यूट्यूब पैसे नहीं देता फिर हम देखते तुम्हारा प्यार हम लोगों के लिए कितना है। ओ भाई मेरी चोरी पकड़ी गई। अब भाई अब तक सो रहे थे कि कितनी देर से जागे हो? भाई सब जानते हैं कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं पैसों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पैसों के लिए वीडियो बनानी होती, जो मेरे पास इतनी सारी स्पॉन्सरशिप आती है 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की, वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? भाई कर लेता हूँ इससे अच्छा है, पर इसलिए नहीं करता हूँ, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मतलब उन ऐप में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको जो मुझे पैसे मिलने हैं इतने, तो इस चीज़ को समझो। और रही बात आपसे प्यार करने की, तो जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, आपका प्यार ही मिल रहा था, और वही एक चीज़ है जो आज मैं यहाँ पर हूँ, जिस काम करने से आपको प्यार मिल रहा है साथ में पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, और फिर भैया पेड़ तो हमारा भी है, खाएंगे क्या, ये भी सोचो। इसके बाद कपूर चौहान लिखते हैं, भाई हेल्प चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है और हम दोनों बिना बात किए नहीं रह सकते, ऐसा कोई तरीका है क्या उससे बात हो जाए और हम दोनों के अलावा कोई मोबाइल से पता ना चल सके, प्लीज़ भाई। ओ भाई ये क्या है, आप दोनों इतना ही प्यार करते थे एक दूसरे से और बात किए बिना नहीं रह सकते दोनों ही, तो भैया शादी क्यों होने दी अपनी गर्लफ्रेंड की किसी और से? हाँ,
और आप हो ही गई है तो भैया कुछ और देखो, अब वो किसी और की बीवी है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। और ये गलत बात है, अपनी ज़िंदगी की तो परवाह होगी नहीं, खुद तो शादी की नहीं, किसी का घर बस गया उसको ना उजाड़ो, गलत चीज़ है। मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ पता नहीं। इसके बाद लिखते हैं राजेश कुमार, भाई एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, वो ये कि मेरे सभी SMS का जवाब देते हो जब मैं मुश्किल में होता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SMS के जवाब यानी कि कमेंट, ठीक है, आपकी वजह से मेरा फ़ोन हैक होने से बच गया, थैंक यू सो मच ब्रो, ओहो आई लव यू ब्रो टू। पहला ऐसा कमेंट है सच्ची में बता रहा हूँ, वरना ज़्यादातर कमेंट यही आते हैं आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते और मैं रिप्लाई दे के थक जाता हूँ, भैया पुराने ऐसे रिप्लाई पढ़े नहीं जाते, फिर से कमेंट ठोक देते हैं। इसके बाद मोहम्मद सलमान लिखते हैं, अगर इंटरनेट गवर्नमेंट के अंडर में हो लाइक एमरजेंसी एंड ऑल तो क्या सारे मैसेज सेफ हैं? तो भाई अभी क्या गवर्नमेंट के अंडर में इंटरनेट नहीं है, अभी भी है भाई। अगर आप कोई भी ऐसा इंटरनेट पर क्राइम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी स्थिति हो जाती और गवर्नमेंट चाहे तो इंटरनेट पर आपको ट्रैक कर सकती है। हाँ ये बात अलग है मैसेज की जो आपने बात बोली, अगर आप व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जो पूरी तरह से सिक्योर है जैसे व्हाट्सएप में, तो गवर्नमेंट आपके मैसेज को रीड नहीं कर सकती है। ऐसा इन मालिकों को कहना है व्हाट्सएप वालों का, मेरा खुद का नहीं है। नेक्स्ट अरुणा जम्बुलकर जी लिखती हैं, हेलो इमरान भैया, गुड इवनिंग इमरान भैया, यूं तो सभी ऐप गुड हैं लेकिन टाइल शॉर्टकट ज़्यादा पसंद आया, ये पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अच्छा इमरान भैया ये बताइए कि फोटो से वीडियो कैसे बनाते हैं सॉन्ग के साथ? तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे जिससे आप फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सॉन्ग भी लगा सकते हैं, काइन मास्टर आप यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हलीमा बेगम जी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। इजी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोई ऐप बताओ भैया। ऐसे तो बहुत सारे ऐप हैं, आप प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए पिक्सकिट, इसको आप ट्राई करिए, जो आप इजी एक दो क्लिक में ही रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। इसके बाद लिखते हैं दीपू शर्मा, ब्रो कोई ऐसा ऐप बताओ जिसे फेसबुक लाइक बढ़ते हो, जिससे फेसबुक लाइक बढ़ते हो। भाई ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे ऐप है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक के लाइक बढ़ा सकते हैं, लेकिन भाई गलती से भी ये गलती मत करना, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ये सिक्योर नहीं है ये चीज़ें। वैसे इस टॉपिक पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी लोग बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे तो बना दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है भाई, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने Q&A एपिसोड किया और आपसे ही पूछे गए सवालों के जवाब दिए। अगर किसी के मन में ये चल रहा था कि भैया थंबनेल में कुछ दिखाया, टाइटल में कुछ लिखा, तो ये आपका ही कमेंट मैंने चिपकाया आपको, ताकि आप लोग सामने आ जाएं मुझसे बात करने के लिए। कमेंट आप लोगों के आजकल बहुत कम आ रहे हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, लव यू, बाय बाय, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, टेक केयर।